वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का एपिसोड द मिरेकल का लास्ट एपिसोड है, तो देखते हैं इस मैजिकल स्टोरी का एंड कैसे होता है। लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि रात को दोनों बहनें अपनी बॉडी में वापस जाने के लिए विश मांगती है और उन्हें लगता है कि नेक्स्ट मॉर्निंग सब पहले जैसा हो जाएगा। कहानी में आगे नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह उठने के बाद भी कुछ चेंज नहीं होता है। दोनों बहनें एक दूसरे की लाइफ कुछ दिन तक ऐसे ही स्पेंड करती हैं, लेकिन फिर अचानक एक दिन दोनों की सोल्स फिर से बदल जाती हैं। असल में होता ये है कि एक दिन शियोन अपनी स्क्रिप्ट घर पर भूल जाती है और वो शिया को कॉल करके स्क्रिप्ट लाने के लिए कहती है। शिया स्क्रिप्ट लेकर उसकी शूट पर पहुँचती है, जहाँ उसे शियोन उसका वेट करते हुए दिखती है। शिया स्क्रिप्ट पढ़ते हुए रोड क्रॉस कर रही होती है और साइड से आती कार पर उसका ध्यान नहीं जाता। शियोन उसे बचाने के लिए भागती है और कार से उन दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है। अगला सीन हॉस्पिटल का दिखाई देता है, जहां शियोन बेहोश होती है और शिया उसके पास बैठकर रो रही होती है। और इसी टाइम हमें पता चलता है कि दोनों बहनों की सोल्स वापस फिर से बदल गई हैं और दोनों फिर से वापस अपनी बॉडी में पहुँच गयी है। शियोन के चेकअप के लिए डॉक्टर आती है और सरप्राइजिंगली ये डॉक्टर तो वही टैरो शॉप की ओनर होती है। शिया उनसे पूछती है कि शियोन को होश क्यों नहीं आया है। डॉक्टर बोलती है इसके होश आने का टाइम हो गया है। तभी शियोन को होश आ जाता है। शियोन शिया से पूछती है क्या तुम ठीक हो। शिया रोते हुए कहती है मुझे चोट नहीं लगी है। तभी शियोन का ध्यान डॉक्टर की तरफ जाता है। वो उन आंटी को देखकर चौंक जाती है और उन्हें मास्टर कहकर बुलाती है। डॉक्टर कहती है तो हमारी गार्जियन उठ गई। शियोन हैरान होते हुए पूछती है गार्जियन। डॉक्टर बताती है कि ट्विंस में से जो पहले जन्म लेता है उसे गार्जियन या प्रोटेक्टर कहते हैं, क्योंकि वो अपने ट्विन के लिए सारे कठिन और मुश्किल रास्ते साफ करते हुए आता है। शियोन फिर से शिया के लिए एक ऑसम गार्जियन बन गई। फिर डॉक्टर शियोन को रेस्ट करने के लिए कहकर जाने लगती है। शियोन उन्हें थैंक्स मास्टर कहती है। शिया पूछती है तुम उन्हें मास्टर क्यों कह रही हो। फिर वो शियोन को छेड़ने लगती है। फिर शियोन मन में सोचती है हम वापस आ गए। हॉस्पिटल से वापस आने के बाद शिया पार्क शियोन से मिलकर उससे ब्रेकअप कर लेती है। वो उससे ये कहकर ब्रेकअप करती है कि अगर हम ऐसे मिलते हुए फिर से पकड़े गए तो हमारे फैंस और एड दोनों चले जाएंगे। मैं तुम्हें इतना भी पसंद नहीं करती हूँ कि ये सब खो दूँ। पार्क शियोन बस देखता रह जाता है। वैसे तो शिया भी पार्क शियोन को पसंद करती थी, लेकिन क्योंकि शियोन को वो ज्यादा पसंद था इसलिए शिया ने इन सब से दूर रहना ही ठीक समझा। दूसरी तरफ अपने डॉगी को वॉक कराते टाइम शियोन को हांस योक मिलता है। वो कहता है कि ग्रेजुएशन के बाद हम पहली बार मिल रहे हैं। शियोन बस गर्दन हिलाकर जवाब देती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी हांस योक उसे रोकता है और कहता है मैं तुमसे सॉरी कहना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे माफ कर दोगी। शियोन हाँ में जवाब देती है। हांस योक अब उसे रियल फ्रेंड्स बनने के लिए पूछता है। वो शियोन से उसका नंबर मांगता है। ये देखकर शियोन खुश होकर सोचती है हांस योक का नंबर जो मैं इतने टाइम से जानना चाहती थी आज मुझे मिल सकता है, लेकिन मैं ये नहीं कर सकती। शियोन कहती है सॉरी, लेकिन मैं किसी और को पसंद करती हूँ। वो पूछता है कि क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। शियोन कहती है ऐसा ही कुछ समझ लो, अगर मैं किसी और लड़के से मिलूंगी तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। इस टाइम हांस योक का फेस देखने लायक होता है। ये कहकर शियोन चली जाती है। उसे जाता देखकर हांस योक खुद से कहता है क्या शियोन ने अभी मुझे रिजेक्ट कर दिया। स्टूडियो में आरा शिया को उनकी एल्बम का कवर दिखाती है। आरा उसे कहती है कि मुझे स्टेज पर तुम सबके साथ की आदत पड़ गई है, अब मुझे स्टेज पर अकेले अजीब सा लगेगा, क्या तुम नेक्स्ट एल्बम साथ में करना चाहोगी। शिया मना करते हुए कहती है अब मैं वो करूँगी जिसमें मैं अच्छी हूँ, वैसे मुझे तुम्हारी आवाज़ बहुत पसंद है। आरा उसे कहती है तुम वैसी ही बुरी बातें करो जैसे तुम करती हो, ऐसी बातें करती तुम अजीब सी लगती हो। शिया को 2 साल पहले की बात याद आती है जब उसने अपने मैनेजर के साथ आरा के ग्रुप को देखा था। मैनेजर ने उसे बताया था कि इन लड़कियों की एज थोड़ी ज्यादा हो गई है और इन्हें डेब्यू करने में भी प्रॉब्लम्स आ रही है। शिया ने कहा था ये तो दुख की बात है, आरा अच्छा गाती है, अगर मैं इन्हें ज्वाइन कर लूँ तो क्या ये लोग डेब्यू कर पाएंगे। और थैंक्स टू शिया वो सभी सक्सेसफुली डेब्यू कर पाए। फिर शिया आरा को बेस्ट विशेस देकर चली जाती है। शियोन का सेक्सी दीवा ब्लॉक अच्छा चल रहा होता है।
वो अभी भी मस्जिद में डांस करते हुए सॉन्ग्स प्ले कर रही होती है। पार्क सियोंग भी उसके गाने सुन रहा होता है। पार्क सियोंग चैरिटी शो कर रहा होता है और ड्यूएट सॉन्ग के लिए वो फैंस में से किसी को चुनने का फैसला लेता है और इसके लिए उसका स्टूडियो ऑडिशन रखते हैं। शियोन अपने रूम में स्टडी कर रही होती है। शिया वहां आकर उसे एक पर्चे पर लिखे एड्रेस पर अगले दिन जाने के लिए कहती है। शियोन के पूछने पर वो बताती है कि ये एक म्यूजिकल ऑडिशन है तो टाइम पर पहुंच जाना। शिया उसे नहीं बताती कि पार्क सियोंग भी वहां होगा। शिया के जाने के बाद शियोन बहुत खुश होती है। नेक्स्ट डे शियोन उसकी बताई जगह पर जाती है। ऑडिशन में जाकर शियोन को पता चलता है कि पार्क सियोंग भी वहां है। वो थोड़ा डर रही होती है। ऑडिशन में जाने पर पार्क सियोंग उसके सामने ही बैठा होता है। ऑडिशन के लिए वही सॉन्ग बजाया जाता है जो कि उन दोनों ने साथ में बनाया होता है। शियोन के गाना शुरू करने के बाद पार्क सियोंग चौंक जाता है। उसे शियोन के साथ बिताए पल याद आने लगते हैं जब वो शिया की बॉडी में थी। वो कहता है, मैंने फाइनली पार्टनर ढूंढ लिया। और फिर पार्क सियोंग और शियोन साथ में सॉन्ग रिकॉर्ड करते हैं और दी मिरेकल सीरीज का यही एंड हो जाता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। अब हम मिलेंगे एक नई और मजेदार कोरियन ड्रामा के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।